हमारी तरह रोजी रोटी के लिए आ गए, उत्तरांचल से आए, यहाँ से आए। संघर्ष का सवाल नहीं है, दिल्ली की जनता ये सवाल पूछ रही है कि आप कहाँ से आके टपक गए, आपको वोट क्यों दें, क्यों नहीं बीजेपी को दिल्ली से ही कोई उम्मीदवार मिला जो यहाँ पे रहता हो, जो यहाँ की समस्याओं को जानता हो, जिसने दिल्ली में संघर्ष किया हो। क्या संघर्ष किया आपने दिल्ली में, मुझे बताइए। नहीं, मैंने संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष नहीं, राजनीतिक संघर्ष जब अन्ना हजारे साहब रामलीला मैदान में। सीधे सीधे एक प्रश्न करता हूँ, आपका एक बयान मैंने सुना कल, मैं ट्विटर पुराना खोल रहा था तो भाई साहब का एक बहुत शानदार बयान आया, और कलाकार ईमानदार आदमी होता है तो ईमानदारी से बोलता भी है। जब आपने सपा से चुनाव लड़ा तो बयान दिया बड़ा कि जिस शिवसेना और ठाकरे ने पूर्वांचल के लोगों को मारकर भगाया उसी से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया, ऐसे नेताओं को मुंह की खानी चाहिए, यूपी और बिहार में वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर अब आपकी राजनीतिक स्थिति वैसी नहीं रही। नहीं नहीं, पर अब आपकी राजनीतिक, मेरे को पूरा होने दो भाई, आप एक गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। हाँ। ये मेरा स्टेटमेंट है ही नहीं, कहाँ दिया मैंने? वीडियो है भाई साहब मेरे पास, वीडियो दिखाई, अभी दिखाई, दिखाई दो, अभी दिखाई, लो जी चलवा दो भाई। अनर्गल तो बोलते नहीं भाई साहब, नहीं हमें देखना है। नेता कई बात भूल जाते हैं, गलत गलत गलत, जो भूल जाते हैं वही नेता बनते हैं। हमारी लड़ाई तो राज ठाकरे से रही है, शिवसेना से तो कोई लड़ाई नहीं। अपने माइक के पास रख लो। मैं लड़ने का डिसीजन ले लिया, यहाँ पे सारे गंदे लोगों का हमारे यहाँ राजनीति में राज है, जो जानते ही नहीं कि जनता की दिक्कत क्या है, भाषा का सम्मान क्या है। पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में मारा जाता है, शिवसेना मारती है, राज ठाकरे मारती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ, उनका समर्थन करके शिवसेना का, और आके हमसे वोट मांगती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या? मनोज तिवारी को पहली बार महसूस हो रहा है कि जिस जनता ने हमको आसमान पे बिठाया है, मैंने उस जनता के लिए पहली बार कुछ अच्छा किया है, और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो मनोज तिवारी से पूछ। शानी है महंगाई से, भ्रष्टाचार, उसको कैसे हम दूर करें? हमको तो ऐसा पॉलिसी मेकर देना पड़ेगा देश को, जो तो पॉलिसी ही मेकर तो आप भी तो चुने जाएंगे, आपकी क्या सोच है इन सब चीजों पे? कोई सोच है? नहीं, क्या सोच है आपकी? ये सच्चाई है। महंगाई का समाधान क्या है? सीधा सवाल जवाब। महंगाई का समाधान हमारी पार्टी के पास है, आपके पास नहीं है। मैं महंगाई हम अकेले दूर कर सकते हैं? कुछ तो अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की महंगाई दूर कर दीजिए, कैसे कीजिएगा? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की महंगाई अलग थोड़ी है देश की महंगाई, कैसे दूर कीजिएगा? नॉर्थ ईस्ट में ट्रैफिक की समस्या है। नहीं, ट्रैफिक नहीं, आपने बोला महंगाई बड़ी समस्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महंगाई की समस्या पे निजात पाने के लिए मनोज तिवारी क्या करेगा? हम जो हमारी नरेंद्र मोदी के जो योजनाएं होंगे उसके लिए हम लड़ेंगे, लोगों को वो योजनाएं पारित करवाएंगे। क्या योजनाएं होंगी? अब आधे घंटे के प्रोग्राम में मैं तो आपको वक्त दे रहा हूँ, बताइए मुझे। नहीं देखिए, महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम है इसको बढ़ा दिए जाते हैं, आसपास के देशों में देखिए कितने सस्ते हैं। मोदी के टाइम पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे घटेंगे? घटेंगे, घटाएंगे। हम हवा में हैं, आप हवाई किले बना रहे हैं सर। अरे मुझे बताइए कि होगा कैसे? अगर देश के बाहर पैसा तो नहीं भेजना है, कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है जनाब, आपको मुझे समझाना होगा कि महंगाई कम कैसे होगी। हम भ्रष्टाचार कम करते हैं, हमारे हमको घर नहीं भरना है। महंगाई पे रही, अब आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, आपने कहा बड़ी मुद्दा है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि महंगाई कम। जितना घोटाला हुआ इस देश में, आपने ही बताया था मुझे 1,75,000 टोजी घोटाला हुआ, महंगाई महंगाई पे है ना, कम कैसे होगी? क्या पॉलिसी है? हम तो घोटाला नहीं करेंगे ना, उन पैसों को बचाएंगे, ऑलरेडी दाम कम हो जाएगा। प्रमोद मुथालिक का नाम आपने सुना है, हमारे कैमरे पर पकड़े गए दंगे के लिए पैसे मांगते हुए, आपकी पार्टी ने आज ही उन्हें बीजेपी में शामिल किया है, ऐसे लुच्चे लफंगों को आप क्यों अपनी पार्टी में लेके आ रहे हैं? मुझे उस सब्जेक्ट पे ज्यादा जानकारी नहीं। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। क्या नहीं कर रहे आप? सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ? ये तमीज है आपकी? चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं क्षमा किया जाना चाहिए, जब इतने इनको पता नहीं है कि सांसद से कैसे गाने से प्रसिद्ध हुए जियो रे बिहार के लाला, कितना अच्छा गाते थे आप, प्रसिद्ध हुए, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही आपका गाना और बीजेपी वालों का बिल्कुल बदल गया। तो मैंने बीजेपी के समर्थन में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मेरे सामने जो नेता बैठता है जिस दल का, मैं उसके समर्थन पे लिखता हूँ। बहुत ईमानदार
आपको समर्पित है, चाहे जितने पाप किए हों, सुनिएगा, चाहे जितने पाप किए हों रेत में, चाहे टाप किए हों, चाहे जितने पाप किए हों रेत में, चाहे टाप किए हों, कांडा हो या चौटाला हो, चाहे कोई घोटाला हो, अपनी कुर्सी हम छांट भी लेंगे, आधा आधा बांट भी लेंगे, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा। आज मेरे दिल पर चोट लगी है, सीधे दिल पर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?